किसान वो धुरी है जिसके चारों ओर दुनिया घूमती है। वैसे आप कमाओ तो घूमना आपको किसान के तरी पड़ेगा। सरकार ने क्या है नाइन्थ है इलेवन टेंथ फिर भी ले ट्वेल्थ बात सही है। तो ये खजूर है, ये अपने यहाँ का पौधा नहीं है, ये मतलब जो है गल्फ कंट्री का। ये खजूर जो है बड़ी देशों में होता है, अपने देश में बहुत कम होता है। 2010 में यह खजूर की खेती राजस्थान में शुरू हुई। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, घेरे में आ रहा है एक बेटा, यो घेरे में आ रहा, लड़ाई को ध्यान रखो बेटा, बोर्ड घेरे में रखना जी। हमारी खेत है, खेत छाड़ी नहीं, खेत देखो, खेत है इसमें कई जीव है, मधुमक्खी है। एक आप छेड़ोगे एक मधुमक्खी निकाल लिया सबको भागना पड़ेगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अनुशासन। खजूर ये फिनिक्स प्रजाति का पौधा है। 2010 में राजस्थान में सबसे पहले खजूर की खेती हुई। ये सब खजूर के पैदा होने के तीन तरीके, बीज से पैदा होती, एक टिश्यू है इसके साइड में बच्चा निकलता है जैसे वो देखो छोटा बच्चा निकला, और एक जो है टिश्यू से, तीन इसके पैदा होने के तरीके। खजूर में जो कुछ भी होता है फल उत्साह पेट के अंदर से, इन पत्तियों में कुछ नहीं, जो कुछ आएगा पेट के अंदर से आएगा। पहले वाले जो थे गई साल के वो निकाली, अभी इसमें 15 से 20 तक मतलब जो है फ्रूट आएंगे, पत्ते आएंगे ऐसे बड़े 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 बड़े, वो बड़े वो सब खजूर के ही, उनके हत्थे ही, फिर वो आएंगे आकर के यूँ बाहर निकलेंगे, ऊपर कवर हो जाएंगे और फिर वो अपने आप फटेगा। फटने के बाद में इसमें नर और मादा अलग, ये नर का फूल और ये मादा का फूल। तो नर का मतलब जो है वो हत्था आएगा, उसको भी काट के वो फटेगा, फटने के बाद काट के उसको खाना, उसमें से पाउडर लेंगे, वो पाउडर मतलब जो है इस मादा के मतलब मैनुअली मनुष्य द्वारा प्रजनन प्रक्रिया करनी पड़ती है। खजूर की वर्ल्ड में 500 वेराइटी और वर्ल्ड में टॉप मोस्ट 100 वेराइटी, वर्ल्ड में हमारे पास 16 खजूर की टॉप मोस्ट 16 प्रकार के खजूर है। पौधे सब एक जैसे, जैसे अपन मनुष्य सब एक तरीके से दिख रहे, सब एक जैसे ही दिख रहे, कोई फर्क नहीं, कोई जाट है कोई कुछ नहीं है, कोई है कोई वाले अलग अलग है, कैसा कैसा इसमें वो तो ऐसे ही दिखेंगे। ये बड़े ही है, बदाल इराक की है, वो उधर वो मजदूर है, हर्द है, नागेल है, अजवा है, अलग अलग क्वालिटी अलग वेरायटी अलग अलग है, इस प्रकार की मतलब कई वर्ल्ड में वेरायटी वेरायटी वाइज अलग कीमत बिकता है। सब हम बेचते हैं यहाँ खेत से माल बेचते हैं, 100 रुपये किलो के लिए 2000 रुपये किलो गले का 2000 रुपये अनुमान लगा 2000 रुपये किलो का। आपने एग्रीकल्चर लिया, ये अच्छी बात है, एग्रीकल्चर खाद अब अपना जो सिस्टम है सब बंद हो गया, अब एग्रीकल्चर में क्या करोगे, एग्रीकल्चर को ऊपर से बंद कर दिया, नीचे सिर्फ इनका वेतन देने के लिए एक सब्जेक्ट, समझ में आया नहीं आया, कैसे आया बंद कैसे हुआ, गाय आप रखोगे तो उसका बैल बिकेगा नहीं, बैल नहीं बिकेगा तो उसको कौन खिलाएगा, गाय खत्म। इसी प्रकार ऊंट का पहले बिकता था, अब सरकार ने कहा नहीं बेचना, तो वो भी खत्म, अपने डागा होता दिखा ये भी चाहिए, अब आप सिर्फ उसका फोटो देखोगे और पत्थर का बनाया हुआ देखो, ठीक है। तो फिर अपन खेती कैसे, खाद के बिना तो खेती होगी, खाद जरूरी है, पानी जरूरी है, अब खाद और पानी का तो सरकार ने बंद ही कर दिया, बस ऐसा गवर्नमेंट ने कर रही है कि ये बेचारा जिंदा रहे, इसको टेबलेट मिल जाए फ्री, इसको खाना मिल जाए फ्री, और इसको मकान मिल जाए फ्री, और इसको पेंशन मिल जाए 2000 रुपये, ताकि वोट देने लायक रहे, मरे नहीं। सही बात, ये सोचना पड़ेगा, बात सही है, भले ही आपको अभी अच्छा नहीं, बात ये
हो रही है ना, लोग काम करना चाहते नहीं है, मेहनत करना। अब इन्होंने मेहनत की, एक बात सुनो, नहीं मेहनत नहीं भाई, आप इस फौज को कहाँ खपाओ? आर्मी के बाद क्या कॉलेज जाओगे तो क्या कर लोगे? डिग्री कर लेंगे, वही मेकाले शिक्षा पद्धति, डिग्रियों के पहाड़ लगा दो, डिग्री 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 डिग्री, और पीएचडी उपाधियों की मतलब पहाड़ लगा दो, फलानी उपाधि फलानी उपाधि उपाधि कौन की है, क्यों आगे इसको बंद हो गया और ये सरकार ने बंद की। आज बैल बिकना शुरू हो जाओ तो गायों की कीमत बढ़ जाओगी, ऊँट की कीमत बढ़ जाओगी। अब हो रहा है, बीमार हो रहे हैं लोग, ये डायबिटीज, ये क्या है? जब सांड का दूध पीते थे खाते थे तो ये नहीं होती, अब इधर से आई, पहले उधर से आई तो इधर भी चली जाएगी सब्जेक्ट। तो खेती ठीक है, सब्जेक्ट आगे वाले पढ़ लो, लेकिन इसमें खेती में हार्ड वर्क, बहुत अच्छी मेहनत, अच्छा वातावरण, शुद्ध और स्वस्थ जीवन के लिए, इसमें सिर्फ पैसा नहीं बाकी सब कुछ होगा, बस एक पैसा और बीमारी दूर नहीं होगी, जिसके पास पैसा होगा उसकी बीमारी ही होगी, और यहाँ पैसा नहीं होगा लेकिन बीमारी नहीं होगी, तुम स्वस्थ रहोगे, शुद्ध हवा आनंद मतलब ऐसा तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा, लेकिन फिर वो हवाई जहाज में तुम जा नहीं सकते, फाइव स्टार होटल में ठहर नहीं सकते, ये तुमको रहेगा सिक्कत यार, नहीं दिन जान कभी होटल पर रखें रहेगा ही खत्म है, कोई मौत तो है पाई नहीं, लेकिन फर्क है 30,000 रुपया रात में भाड़ो, 50,000 रुपया एक रात में भाड़ो, भाई दाल भाई थाली भाई 5,000 की भाई हो रही, वो तो समझ में पड़े मेहनत पहले पड़े भरे, अब गाँव का पूछो नौकरी जी गाँव से ओढ़ तो नहीं बोलो तो दुई जी नहीं क्या करोगे, काम करना बंद हो गया ना, पशु रखते थे लोग कुछ नहीं, कम हो गया नहीं, पड़ क्यों काम बढ़ा हूँ मेरे पड्डू, अरे पड्डे पड्ड ले पड्डना को 24 घंटा थोड़ी पड्डो गया, पर वो साइड में काम कर लो आप छोड़ दिन के, मेरा हाथ खराब हो जाए, मेरा कपड़ा खराब हो जाए, कौन कर तो ये फिर नहीं होगा, फिर आपको मजदूर ही रहना पड़ेगा, मजदूर में और मालिक में फर्क है, नौकरी करे मतलब एक दिन पेंशन नहीं आवे आए, बाकी ये किसी रोजगार नहीं करते, आप व्यापार करोगे 1,000 रुपये का व्यापार करो तो आपके पास एक नौकर, ज्यादा व्यापार करोगे तो दो नौकर, व्यापार का पड़ा है स्कोप खूब पड़ा है, एग्रीकल्चर करोगे तो आदमी चाहिए कर रहे माल सप्लाई करने के लिए, और धंधा होगा तो आदमी अपने आप आएगा, खाद खाद खपत हो जाती है, ये जो इंडस्ट्री है शिक्षा की, इसका काम एजुकेशन लेना बहुत जरूरी, शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी, आगे इसका मतलब जो अपन शिक्षा के भरोसे ही बैठे रहे तो कुछ होगा।